राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम कल्याणम संस्थान की ओर से आयोजित किया गया था, जहां राजस्व मंत्री ने अस्पताल अधीक्षक को 50 ऑयल हीटर भेंट किए, जिससे मरीजों को अस्पताल में सर्दी से राहत मिलेगी। इस दौरान मंत्री ने आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया। तो नारा ही नहीं, आप देख रहे हो, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो दवाई फ्री की, सेकंड बार में उन्होंने जांचें वगैरह उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया, और इस कदर की उनकी योजनाओं को कई राज्य, अनेक राज्यों ने उस योजना को लागू किया। यहाँ तक कि भारत सरकार ने अलग नाम दिया आयुष्मान, लेकिन वो योजना केवल अशोक गहलोत जी वाली ही योजना है, वो उसमें उन चीज़ों को कवर नहीं कर पाए। फिर मुख्यमंत्री जी ने अभी तीसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसी योजना, घर घर पहला सुख निरोगी काया का नारा न देते हुए घर घर जांच करवा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, ग्रामीण एरिया हो शहरी एरिया हो। कोविड जैसी महामारी में मैं सर्टिफिकेट WHO ने इस चीज़ को माना, दुनिया ने उस चीज़ को राजस्थान में भीलवाड़ा रामगंज मॉडल को जो लागू किया, उन्हीं का एक प्रेरणा कहें, उनकी सोच कहें, उनकी मॉनिटरिंग कहें, सब लोगों को साथ लेके चला, शानदार आईसीयू। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस चिकित्सालय में पधारे, उन्होंने यहाँ थर्ड वेव से संबंधित विभागीय तैयारियों का जायजा लिया, यहाँ के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बारे में जानकारी ली, आईसीयू सीसीयू जो नई बनी है उनका अवलोकन किया, जो इक्विपमेंट्स यहाँ मिले हैं उनको देखा, DMFT के माध्यम से जो उन्होंने हमें इक्विपमेंट और दिलाए हैं उनकी जानकारी ली, साथ ही कल्याणम संस्थान द्वारा हमें 50 ऑयल फिल्टर वाले हीटर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि सर्दियों में मरीजों के लिए बहुत आवश्यक हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कल्याणम संस्थान के सचिव श्री प्रमोदजी तिवारी जी का। एजुकेशन का सेक्टर हो, और अब हमारा जो तीसरा कदम होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम क्योंकि हमारे जो कल्याणम में हैं वो IITians हैं, डॉक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, बैंक के रिटायर्ड मैनेजर्स हैं, तो सभी तरह के टेक्नोक्रेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमने शुरुआत की, पहले जब कोरोना काल में स्कूलें जब बंद हो गई थी, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी, पर उन छात्राओं के पास, गरीब छात्राओं के पास जब टैबलेट नहीं थे तो हमने 200 टैबलेट उपलब्ध कराए। अभी हमारा फिर प्रयास, अगर तीसरी वेव में